हेलो एवरीवन, सो आज देखेंगे इसका ट्रूथ टेबल कैसे निकालते हैं। चलो सो देखो, P और Q मौजूद है, सो सिर्फ P और Q लिखेंगे और इसका ट्रूथ टेबल कैसे निकालते हैं। P में दो T रहते हैं, दो फॉल्स रहते हैं। ओके चलो एक बॉक्स बढ़ा लेते हैं हम। अभी देखो एक बॉक्स बढ़ा लिया हमने, क्या किया है, दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, क्या किया है मैंने, दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। उसके बाद निगेशन पी निकालते हैं, निगेशन क्यू निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है उसकी। ओके अभी निगेशन क्यू मतलब पी, पी का अपोजिट है निगेशन पी में। अगर इधर ट्रू लिखा है तो यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है यहाँ पे ट्रू है। ओके अभी निगेशन क्यू है, निगेशन क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू का अपोजिट यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। ओके अभी देखो क्या निकालना, पहले तो ये बॉक्स निकालेंगे, निगेशन पी और क्यू। चलो निगेशन पी और क्यू निकालेंगे, निगेशन पी और क्यू, और का रूल क्या है, एफ और एफ, एफ रहता है। अभी देखो निगेशन पी और क्यू ये दोनों में, ये दो टेबल में देखना है, दोनों तरफ अगर एफ होगा तो ही वो एफ है, बाकी सब टी है, दोनों तरफ एफ होगा तो ही वो एफ है, बाकी सब टी है। चलो ये लिख लिया, इसके बाद ये हो गया, अभी ये करने वाले हैं। सो निगेशन पी और निगेशन क्यू ये हो गया, अभी निगेशन पी और निगेशन क्यू, ये देखो निगेशन पी और निगेशन क्यू में देखेंगे, ये दोनों में और है, और का क्या है, दो एफ हो गए तो ही एफ है। चलो सो दो एफ है, एक एफ हो जाएगा, और है किधर, नहीं है तो ये ट्रू हो जाएगा। ओके उसके बाद अभी क्या कहा है उन्होंने, ये अगर वन है तो ये देखो, ये इसको वन कर दिया मैंने कॉलम, और ये टू कॉलम कर दिया, ठीक है, ये दो कॉलम को क्या करना है, एंड करना है। चलो वन एंड टू कर दिया है, वन एंड टू मतलब ये और ये इसका एंड है, एंड का क्या रहता है, दो अगर टी रहे तो ही आंसर टी है। अभी देखो दो टी कहाँ पे है, दो टी कहाँ पे है, दो टी यहाँ पे है, दो टी कहाँ पे, यहाँ पे टी है, बाकी सब फॉल्स है। तो ये हो गया इसका ट्रूथ टेबल। ओके थैंक यू।